यदि आपको जल्दी सफल होना हो तो किताबों से दोस्ती कर लो। किताब तो यूपीएससी के भी मिल रहे हैं आपको, बीपीएससी के भी किताब मिल रहे हैं, सबसे दोस्ती है। अब समय इधर आप लोग ही तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब भाई नहीं अगर इंटरव्यू देंगे, कह देंगे हमको नहीं देना है, आप ही लोग नेगेटिव प्रभाव करवा देंगे। ये सब हैबिटेंट मान्य प्रधानमंत्री जी का कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, पढ़ो चाहे अच्छी करो, लेकिन अपना काम अवश्य बनाए। अगर तुमको कोई जरूरत हो गए तो तुम उससे भी फायदा हो सकता है, उससे भी फायदा। अब मान लिया जाए हम प्रधानमंत्री बन गए, बनेंगे नहीं लेकिन मान लिया जाए, अब हमारा एसपी जी कमांडो चारों ओर से घेर ले रहे हैं, अब हमारा कोई आदमी से कोई परेशानी सुनेंगे हमारा सुन ही नहीं, कहेगा नहीं 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 मिलिए, हो सकता बम बन जाए। IAS जब रहेंगे तो उतना डर नहीं रहेगा, हम एक जिले का नाम मालिक है, कौन हम ये अभी हम निकले हैं तो सब इंतजार करते हैं, नहीं तो सब लोग हमको पागल बोलते थे। अच्छा। पढ़ता ही पढ़ कर कुछ बनते या नहीं तो ये पागल बोलते, सभी लोग बोलते थे। कोई आज तक एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा गाँव में जो की ये बात नहीं बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। पटना से चलकर नालंदा हरनौत पहुंचे हैं और हमारे साथ सोनू हैं। सोनू से मिलने के लिए कई लोग आ रहे हैं, पप्पू यादव भी पहुंचे, सुशील मोदी को भी आपने देखा और सुनने में आया चिराग पासवान भी आए हैं। सोनू बैठे हैं और उनके साथ धर्मेंद्र जी आए हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं, और लगातार देखिए किस तरीके से विजिटिंग कार्ड मिल रहा है, रखने के लिए पॉकेट में जगह नहीं है, कोई कंप्यूटर दे जाता है, कोई लैपटॉप दे रहा है, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। सोनू क्या लग रहा है, ये वादे होते रहेंगे या कुछ पढ़ाई लिखाई भी होगा? कल से रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा रूटीन, क्या रूटीन बनने वाला है? रूटीन यही है, अभी बना नहीं है। अच्छा। लेकिन आज अभी जा करके हम बना देंगे उसको। लगातार अब कहा जाता है कि यदि आपको जल्दी सफल होना हो तो किताबों से दोस्ती कर लो। किताब तो यूपीएससी के भी मिल रहे हैं आपको, बीपीएससी के भी किताब मिल रहे हैं, सबसे दोस्ती है। अब समय इधर आप लोग ही तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब भाई नहीं अगर इंटरव्यू देंगे, कह देंगे हमको नहीं देना है, आप ही लोग नेगेटिव प्रभाव करवा देंगे। ना ना, नेगेटिव नहीं कराना है, हमारा तो कहना है कि भाई सोनू जैसे बिहार के हजारों बच्चे निकले, जो शिक्षा व्यवस्था की बात करते रहे, हमारा बिहार जो है आगे बढ़ते रहे। क्या लगता है सोनू, कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? वो तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार पहले शिक्षकों से पूछ कर ही होगा कि भाई क्यों आप लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अफसरों को थोड़ा सा प्रेशर डालना होगा ताकि जो है अच्छी किया जाए। जिस उम्र में गिल्ली डंडे खेलते नजर आते हैं आपकी उम्र के बच्चे, उस उम्र में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने कई इंटरव्यू आपके देखे, 40 बच्चे को पढ़ाते हैं ABCD का ज्ञान, इतना जल्दी कैसे हो गया? ये सब हैबिटेंट था मान्य प्रधानमंत्री जी का कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, पढ़ो चाहे अच्छी करो, लेकिन अपना काम अवश्य बनाए रखना। अगर तुमको कोई जरूरत हो गए तो तुम उससे भी फायदा हो सकता है, उससे भी फायदा हो सकता है, यानी कि सबसे लेकर चलना है। हाँ, सभी को लेकर के चलना है। क्या लगता है कि अब जो है बहुत तरीके के ऑफर भी मिल रहे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ एडमिशन करा देंगे, सोनू सूद भी आज सामने आ गए, अभिनेता हैं, पप्पू यादव भी आ गए हैं, चिराग भी कह रहे थे कि हम मदद के लिए खड़े हैं, धर्मेंद्र भाई ने भी कह दिया कि हम पटना के टॉप स्कूल में एडमिशन करा देंगे, तो क्या इच्छा चल रहा है, कहाँ एडमिशन लेंगे अब? देखिए हम तो अभी इस पर विचार विमर्श करेंगे, अभी 5 रोज का समय दिए हैं, उस पर विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करेंगे। नवोदय की बात जो है, पढ़ाने की बात सुशील मोदी जी ने की थी आपसे, नवोदय पढ़ाई करके भी बच्चे बहुत आगे निकलते हैं, नवोदय के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए उसमें मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहते हैं, हमको सिमरतला या तो सैनिक स्कूल में जाना, उस पर हम विचार विमर्श कर लेंगे। IAS बनना चाहते हैं? यस। ऐसा क्यों भाई, और भी तो चीज बन सकते थे, IPS बन सकते थे, देश को संभाल सकते थे, और होता है ना कि नेता भी बन सकते हैं भाई, नेता का तो एक अलग ही क्रेज है, बड़े बड़े लंबी लंबी वाहने कतारें चलती है, बड़े बड़े IAS IPS भी उनके जो है सेवा में लगे रहते हैं, तो फिर ये IAS बनना ही क्यों? क्योंकि एक IAS ही देश को आगे ले जा सकता है। अब मान लिया जाए हम प्रधानमंत्री बन गए, बनेंगे नहीं लेकिन मान लिया जाए, अब हमारा SPG कमांडो चारों ओर से घेर ले रहा है, अब हमारा कोई आदमी से कोई परेशानी सुनेंगे तो हमारा सुन ही नहीं देगा,
कहेगा नहीं 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 मिलिए, हो सकता बम बांध ले रहे यार। सब बढ़िया आईएएस जब रहेंगे तो उतना डर नहीं रहेगा। हम एक जिले का ना मालिक है भाई, कौन हमारा उतना अच्छी करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा बिहार आईएएस बनने की बात अपने कर ली सोनू, आईएएस बनने के लिए हमने जितना जाना है पढ़ा है कम से कम 16 से 17 घंटे तो पढ़ने होते हैं। जरूर पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे जो बच्चे जिनको पढ़ाते हैं उनका क्या होगा? आपका 12-13 घंटा तो इसी पढ़ावे या पढ़े में ही खत्म हो जाता है। नहीं पढ़ाने का एक अलग ही होता है। कहते हैं ना कि आईएएस बनना है तो मोटी मोटी किताबें जो है ना वो लंबी कतारें लग जाती है। देखिए मोटी किताबें से कुछ नहीं होगा। अच्छा अगर जो चीज आता जो चीज आपको नहीं आ रहा उस पर अगर आप फोकस करेंगे ना तो सब चीज आपको हो जाएगा। गांव से कितना प्यार करते हैं गांव के लोग, देखिए आपका धूप में भी इंतजार करते हैं। हमने पूछा कि सोनू का घर कहाँ है, बोले अरे चलिए लेके चलते हैं। ये अभी हम निकले हैं तो सब इंतजार करते हैं, नहीं तो सब लोग हमको पागल बोलते थे। अच्छा है पढ़ता ही पढ़ कर कुछ बनते या नहीं तो पागल होती, सभी लोग बोलते थे। अच्छा कोई आज तक एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा गांव में जो कि ये बात नहीं बोला। अच्छा पूरा आदमी। जिस दिन आप नीतीश कुमार से मिलने साइकिल से निकले थे उस दिन क्या हुआ था, कि क्या लग रहा था नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाएगी? लग तो रहा था कि वहां पर जिस बॉडीगार्ड था एकदम दांत को एकदम खींच लेता, मैंने जो घेरा बन ले था उनको जैसे गोड़ तक नहीं छूने देता था। अभी था वो उतना बॉडीगार्ड सख्त नहीं था। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री भी हंस रहे थे। अच्छा। अब वहाँ पर वो भी थोड़ा सा दिक्कत में थे, वो बोले कि बच्चा क्या बोल रहा है जी, बोले अपने गार्ड बोले ना कि ये क्या बोल रहा है, उनको सुनाई नहीं दिया। अच्छा। इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से पूछे और वो जब शुरू बार देखे ना वो बोले तो बच्चा वहाँ पर मिलवे किया था। आपको पता है पटना में जितने भी मंत्री बैठते हैं सब लोग आपका वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि वाकई बच्चे में बहुत काबिलियत है, उसको तो पढ़ना चाहिए और ये रोज रोज टाइम पास हो रहा है उनका, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। टाइम पास हम नहीं करते हैं, आप ही लोग आकर करते हैं। हम लोग तो करते ही करते हैं, हम लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन आपको भी जिज्ञासा करना होगा ना, ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित कैसे करें? अब मान लीजिए हम रूम में वहाँ पर रहते हैं तो यहाँ से हटते हटते आप रूम में भी पहुँच जाते हैं। अच्छा तो हमका ध्यान रहेगा। अच्छा क्या अपील करना चाहेंगे, लोग आपको मिलने आ रहे हैं तो उनसे कहिएगा ना कि भैया आप हमको पढ़ने दीजिए, बड़ा आदमी बन जाएंगे। देखिए सुनिए ना, हम अपना रूल रेगुलेशन बता करके अगर कोई मीडिया वाले आए ना उनको हम बता देंगे, उसके हिसाब से आप लोग आइएगा। ओके ठीक है, जय हिंद जय भारत। देखिए यहाँ पे सोनू है और धर्मेंद्र जी से मिलने पहुंचे हैं। सोनू ने कह दिया है कि अब पढ़ाई करेंगे, मन बना लिया है पढ़ाई करेंगे। काफी संख्या में मीडिया कर्मी आ रहे हैं और तरह तरह के ब्लॉग बनाने वाले लोग भी आ रहे हैं, तो भाई उन लोगों से भी मेरी अपील है कि छोटे बच्चे को थोड़ा पढ़ने दें। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे पढ़ें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की काबिलियत रखते हैं। और वाकई कहते हैं ना, जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। बच्चे की उम्र छोटी है लेकिन काबिलियत काफ़ी ज़्यादा है और यही कारण है कि इस समय पूरे देश दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, साथ ही ये भी अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर दें, क्योंकि इस देश में इस बिहार में कई ऐसे बच्चे मीडिया की सुर्खियों में आते हैं, कुछ दिन चर्चा का विषय होता है फिर लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे में सोनू को ढेर सारी शुभकामनाएं, धर्मेंद्र जी पहुंचे हैं उनको भी ढेर सारी बधाई। इसी तरीके से समाज सेवी के रूप में कार्य करते रहिए और हम लगातार सोनू से मिलेंगे, बात करते रहेंगे, सोनू जैसे हजारों बच्चे से मिलते रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं और कुछ नहीं, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, एक बार केवल आप बात कर लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे सोनू अब बात करना चाहता है, यही वजह से आज इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। अच्छा उनसे इंस्पायर हो गए हैं आप। तो सोनू को आपने सुना, हम लगातार आपको सोनू जैसे लाखों हजारों बच्चों से मिलाते रहेंगे, बताते रहेंगे और हर तस्वीर हम आपको गांव-गांव घूमकर दिखाते रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।